कंडीशन के लिए हम एक और मेथड देखेंगे, अनदर मेथड फॉर एक्रोमेटिज्म ऑफ टू लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्रोमेटिज्म के लिए कंडीशन पढ़ी थी और हमने ये चीज प्रूव की थी एक्रोमेटिज्म के लिए। क्या प्रूव किया था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्रोमेटिक एब्रेशन पूरी तरह से दूर हो जाए तो हमें इस तरह के लेंस कॉम्बिनेशन को लेना पड़ेगा जिसमें दोनों लेंस की फोकल लेंथ एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब एक लेंस अगर कॉन्वेक्स हो तो दूसरा होना चाहिए कॉनकेव, और दोनों लेंस की डिस्पर्सिव पावर भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों लेंस बने हैं डिफरेंट मटेरियल से, तो दो डिफरेंट मटेरियल से फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास से मिलकर बने लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ अपोजिट हो, इसका मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव के कॉम्बिनेशन को एक्रोमेटिज्म कहते हैं। और इसी कंडीशन को हम एक और अलग मेथड से प्रूव करेंगे, वो मेथड होगा डिफरेंशिएशन मेथड। तो कैसे प्रूव करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। तो यहां से ये जो फोकल लेंथ है ये पहले लेंस की मीन फोकल लेंथ है, पहले लेंस की मीन फोकल लेंथ ये μ-1 यहां आ गया 1/r1 - 1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं 1, ये इक्वेशन है 2। बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एफ, एफ के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1/x क्या होता है, -1/x2। 1/f क्या होगा, -1/f2। हमने एफ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। पावर कितनी है, एफ इनवर्स -1, पावर आगे आ जाएगी माइनस, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब इक्वल टू इसका करेंगे म्यू का, म्यू का कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है क्या मटेरियल का, हाँ अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होता है, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी नहीं है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एफ, और माइनस वन का कितना हो जाएगा 0, और ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है पूरी, ये मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट पड़ी रहेगी। डिफरेंशिएशन करेंगे ना पूरी क्वांटिटी का तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी म्यू बाई डी एफ, और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और हम -1/f2 डी म्यू बाई डी एफ, और 1/r1 - 1/r2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/f म्यू माइनस वन, ये लिखेंगे। अब देखिए डी एफ आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल टू डी म्यू अपॉन एफ म्यू माइनस वन, ठीक है। ये देखिए माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर डी म्यू अपॉन एफ म्यू माइनस वन। अब देखिए तो देखिए माइनस डी एफ एक एफ से एक एफ कैंसिल आउट, तो डी एफ बाय एफ इक्वल टू डी म्यू बाय म्यू माइनस वन। तो ये क्या बना देखो, डी म्यू मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, जो कि क्या होता है, जो कि होता है डिस्पर्सिव पावर। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया माइनस डी एफ बाई एफ इक्वल टू ओमेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, सही, तो माइनस डी एफ बाई एफ ओमेगा। तो यहां पर हम अगर एफ स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा एफ, ये क्वांटिटी हमारे आगे काम आएगी। तो फिर से देखिए डी एफ बाई एफ
ये बन गया ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, एफ की मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारे पास जो एक्रोमेटिज्म कंडीशन होती है उसमें दो लेंस को हम क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो दो लेंस की अलग अलग फोकल लेंथ होगी। पहले लेंस की फोकल लेंथ होगी एफ मीन फोकल लेंथ, और दूसरे लेंस की मीन फोकल लेंथ एफ डैश, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी एफ। हियर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, एफ इज द मीन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, एंड एफ डैश इज द मीन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। अभी हमने इक्वेशन थर्ड से ये रिलेशन बनाया कि माइनस डी एफ बाय एफ इक्वल्स टू होता है ओमेगा एफ। तो जो इक्विवेलेंट लेंस है ये इसकी फोकल लेंथ, ये पहले लेंस की फोकल लेंथ, और ये दूसरे लेंस की मीन फोकल लेंथ। ये मीन फोकल लेंथ है दोनों लेंस के, दोनों लेंसेज की, और ये है उनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एफ करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ लिख देंगे डी बाय डी एफ, वन बाय एफ का डिफरेंशिएशन, और विद रेस्पेक्ट टू एफ वन बाय एफ प्लस वन बाय एफ डैश का डिफरेंशिएशन। अब हम करेंगे सबसे पहले वन बाय एफ का डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा माइनस वन बाय एफ स्क्वायर। देखिए पहले 1 बाय एफ को करेंगे तो माइनस 1 बाय एफ स्क्वायर, अब इस वेरिएबल का एफ का डी एफ के साथ करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा। अब 1 बाय एफ का करते हैं सबसे पहले माइनस 1 बाय एफ स्क्वायर। अब एफ का विद रेस्पेक्ट टू डी एफ करेंगे तो डी एफ बाय डी एफ ऐसा आ जाएगा। फिर से एफ डैश का तो आ जाएगा माइनस 1 बाय एफ डैश स्क्वायर, फिर एफ डैश का विद रेस्पेक्ट टू डी एफ करेंगे तो डी एफ डैश बाय डी एफ आ जाएगा। अब देखिए यहां पर डी एफ डी एफ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस डी एफ डैश बाय एफ डैश स्क्वायर। अब देखिए ये इस इक्वेशन में हम ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं क्या कि माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर होता है ओमेगा बाय एफ, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ स्क्वायर कर दिया था उस समय, क्योंकि मुझे पता था आगे हमें इस क्वांटिटी इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय एफ। तो यहाँ पर माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर, चलो इस क्वांटिटी की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय एफ, और ये एफ डैश, एफ डैश है तो यहां पर हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश बाय एफ डैश। तो देखिए इसके आगे यहां करते हैं तो माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा बाय एफ। अब माइनस डी एफ डैश बाय एफ डैश स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा डैश बाय एफ डैश, और दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसके बाद देखो एक्रोमेटिज्म की कंडीशन क्या होती है, एक्रोमेटिज्म कंडीशन क्या होती है कि फोकल रेड के लिए, रेड लाइट के लिए फोकस पॉइंट और वॉलेट लाइट के लिए फोकस पॉइंट एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों के बीच की कोई फोकल जो लेंथ होती है उनकी डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो। भाई रेड का फोकस और वॉलेट का फोकस अगर एक ही पॉइंट पे होगा तो उनके फोकस फोकल लेंथ में डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो हम ये चाहते हैं कि एक्रोमेटिज्म लेंस से हमें फोकल लेंथ में वेरिएशन जीरो मिले, तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे तो ओमेगा बाय एफ प्लस ओमेगा डैश बाय एफ डैश। तो यहाँ से देखिए फिर से वही रिलेशन आ गया, ठीक है, रेशियो ऑफ यहां पे लिखेंगे ओमेगा डैश बाय ओमेगा एफ डैश बाय एफ और माइनस। तो दिस इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म, और ये एक अनदर मेथड से हमने प्रूव किया।